नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यतेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। घने कोहरे के कारण सड़क पर खड़े ट्रक में एक कार जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। मऊ आजमगढ़ मार्ग पर सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ी थी रानीपुर थाना क्षेत्र के करजौली के पास। बुधवार की रात घना कोहरा था। करीब 11 बजे मोहम्मदाबाद की ओर से आ रही एक कार कोहरे के कारण खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का करीब आधा से ज्यादा हिस्सा ट्रक में जा घुसा। कार में तीन लोग सवार थे। वह करहा से एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो करजौली मोड़ पर पहुंचे, घने कोहरे के कारण उनकी कार सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी। आसपास के लोगों ने तीनों को बाहर निकाला, जबकि उसमें से दो की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे वाराणसी के लिए रेफर किया गया। मृत लोगों में दीपक सिंह और निखिल शहर कोतवाली के निजामुद्दीनपुरा के रहने वाले हैं, जबकि घायल आशीष सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है। उसे चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इस घटना के बाद शहर के सिंधी कॉलोनी बाजार की सारी दुकानें बंद रहीं। वहीं शहर के जिला अस्पताल पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।